से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जो दिखाई दे रहा होगा उसको दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए वैकेंसीज का डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 6 जुलाई 2021 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 27 जुलाई 2021 लास्ट डेट रखी गई है। ये वैकेंसीज पंजाब पुलिस की तरफ से आ रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, आर्मर पुलिस, इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस के पदों के लिए वैकेंसीज का डिटेल जारी किया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। दोस्तों, इसका यहाँ पर लिंक दिया गया है। इसमें जो सबसे पहले कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो भी इसमें क्वालिफाइड करेगा उसके हिसाब से आगे का प्रोसेस किया जाएगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर की 87 पोस्ट सिसमैन के लिए यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले एक्सिसमैन जनरल जो पंजाब के हैं, 7 वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज महिलाओं के लिए रखी गई है। एक्सिसमैन शेड्यूल कास्ट के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई है। उसके अलावा जो एक्सिसमैन शेड्यूल कास्ट रामदासिया अदर पंजाबी हैं, उनके लिए 2 वैकेंसीज रखी गई हैं। एक्सिसमैन बैकवर्ड क्लास के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई है। आगे जो दूसरी वैकेंसी दोस्तों, आर्मर्ड पुलिस कैडर की 97 वैकेंसीज है, इसमें भी एक्सिसमैन का कॉलम रखा गया है। एक्सिसमैन जनरल के लिए 7 वैकेंसी, 4 महिलाओं के लिए रखी गई हैं। एक्सिसमैन शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि मजाबी सिख के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई है। उसके अलावा एक्सिसमैन शेड्यूल कास्ट रामदासिया एंड अदर पंजाबी के लिए 2 वैकेंसीज, एक्सिसमैन बैकवर्ड क्लास के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। आगे बात करें दोस्तों वैकेंसीज का, तो इंटेलिजेंस कैडर की 87 वैकेंसीज हैं, जिसका डिटेल्स आप लोग देख पा रहे होंगे। एक्सिसमैन जनरल के लिए 8 वैकेंसीज हैं, 3 महिलाओं के लिए रखी गई है। एक्सिसमैन शेड्यूल कास्ट के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई है। उसकी तरह एक्सिसमैन शेड्यूल कास्ट रामदासिया एंड अदर जो है उनके लिए 2 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, एक्सेसमेंट जो बैकवर्ड क्लास है पंजाब के, उनके लिए भी 2 वैकेंसीज रखी गई हैं। इन्वेस्टिगेशन कैडर की 289 वैकेंसीज रखी गई है सब इंस्पेक्टर के लिए। इसमें काफ़ी पोस्ट रखे गए हैं। एक्सेसमेंट जनरल जो है 21 वैकेंसी रखी गई है, महिलाओं के लिए 12 वैकेंसी रखी गई है। जो वार विडोज हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमेंट शेड्यूल कास्ट जो कि वाल्मीकि मजाबी सिख पंजाब के हैं, 6 वैकेंसी रखी गई है। एक्सेसमेंट शेड्यूल कास्ट रामदासिया एंड अदर पंजाबी के लिए 6 वैकेंसीज है। एक्सेसमेंट बैकवर्ड क्लास पंजाब के लिए 6 वैकेंसीज रखी गई है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 289 रखी गई है। काफ़ी पैसे वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। यहाँ पर एक बात और रखी गई है दोस्तों कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे कि BSF, CRPF, ITBP, CSF, SSB, ETC ये जो है ये अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ ये वैकेंसीज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो भी रिटायर हैं उनके लिए रखी गई हैं। पेमेंट का दोस्तों डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि पेमेंट जो होगा लेवल 6 और 7 के हिसाब से, CPC के हिसाब से दिया जाएगा। 35,400 रुपये से शुरुआत रखी गई है और जो भी इंडिया के हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज दोस्तों जो रखा गया है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। मिनिमम एज 18 साल से अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज 28 साल। जो भूतपूर्व सैनिक हैं अपनी एज की गणना कर सकते हैं। जो टोटल सर्विस आपने किया है उसमें 3 साल जोड़ के और टोटल एज से निकाल सकते हैं। रिलैक्सेशन 5 साल दिया जाएगा, इसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया। दोस्तों, जो सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके लिए कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी आपने इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से किया हो। सब इंस्पेक्टर जो आर्मर्ड पुलिस कैडर हैं उनके लिए भी ग्रेजुएट रखा गया है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। सब इंस्पेक्टर कैडर के जो इन्वेस्टिगेशन कैडर है उनके लिए भी ग्रेजुएशन रखा गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट आपने किया हो। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इंटेलिजेंस कैडर के लिए दोस्तों उनके लिए भी ग्रेजुएशन रखा गया है। साथ में ओ लेवल सर्टिफिकेट रखा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने किया हो तो आप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यानी इंटेलिजेंस कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या उसके लिए फिजिकल स्टेट रहने वाला है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कितनी हाइट है जो कि मेल और फीमेल के लिए रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें, उसके बाद दूसरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल स्क्रीन टेस्ट होगा। सिलेबस क्या क्या रहने वाला दोस्तों उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि किस किस लेसन को कवर किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस होगा, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स हो गया, उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज का हो गया, लॉजिकल एंड एनालिटिक्स रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, उसके बाद डिजिटल लिटरेटी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, उसका डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो फिजिकल रहेगा दोस्तों उसके लिए क्या क्या रहेगा, मेल कैंडिडेट है कितना जो है रनिंग होगा,
लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। एक्सिस मैन के लिए काफ़ी छूट दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मेल यहाँ पे जो जनरल है उनके लिए 1600 मीटर रन रखी गई 7 मिनट है, जो एक्सिस मैन मेल कैंडिडेट हैं 1400 मिनट रखी गई है 9 मिनट के अंदर। सेटअप्स रखे गए हैं, लॉन्ग जंप एक्सिस मैन के लिए नहीं रखी गई है, उसके अलावा हाई जंप नहीं रखी गई है। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कैडर के लिए भी क्या क्या रखा गया दोस्तों, दौड़ रखी गई है, जो सिविलियन है उनके लिए दौड़ रखी गई है 800 मीटर की 4 मिनट में, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई 6 मिनट में। लॉन्ग जंप और हाई जंप रखा गया है सिविलियन के लिए, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं रखी गई है। तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लीकेशन दोस्तों www.punjabpolice.gov.in पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।